लेकिन ये बताइए कि अगर शिखर नहीं बन रहा है और उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो क्या ये पूर्ण नहीं है? क्या गर्भगृह का बनना पूर्ण नहीं माना जाता है मंदिर को? देखिए, रामलला का प्रकटीकरण हम जिस विग्रह को वहां स्थापित कर रहे हैं, अनुष्ठान उस विग्रह का होता है और ऐसा नहीं कि यह पहली बार हो रहा। अयोध्या में जो कुछ भी कार्यक्रम हो रहे हैं इस सनातन धर्म के शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार ही हो रहे हैं और शास्त्र परंपराओं से भी चलते हैं। दूसरा, लोक हित में, जन हित में परंपराएं बनाई भी जाती हैं, उन शास्त्रोक्त पद्धतियों का पालन करते हुए इन सभी चीजों को जो पूर्व में भी हुए हैं और आगे भी होंगे उसी के अनुरूप एक कार्यक्रम भी अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा प्रारंभ किया गया है। विपक्ष का तो कहना है कि अब चुनाव करीब है इसलिए आप लोग जल्दबाजी में कर रहे हैं, अभी मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है लेकिन 2-3 महीने बाद चुनाव है। और ऐसे में शशि थरूर को मैं कोट करना चाहूंगी, कांग्रेस के नेता, वो ये कहते हैं कि 2014 में मोदी जीते थे ये कहकर कि हम गुजरात मॉडल देश में लाएंगे विकास का, फिर वो 19 में आए पुलवामा की वजह से, अब वो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके बनना चाहते हैं हिंदू हृदय सम्राट और उससे वो चुनाव जीतना चाहते हैं, तो इसलिए आप लोग करा रहे। आप मुझे बताइए, कांग्रेस को किसने इस कार्यक्रम में आने से मना किया था? क्या यह सच नहीं कि कांग्रेस ने 1989 में अपने चुनाव प्रचार अभियान का शुभारंभ अयोध्या से किया था? और क्या यह सच नहीं है कि कांग्रेस एक तरफ हिंदुओं को बेवकूफ बनाती थी और दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक से भी मोह नहीं छोड़ पा रही थी? वोट बैंक की राजनीति इसमें विपक्ष ने किया है, कांग्रेस जैसे दलों ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने इसमें राजनीति नहीं की। हमने तो बार बार कहा ना कि जो देश की आस्था थी उस देश की आस्था का हम लोगों ने सम्मान किया, हम उसके पक्षधर थे, आज भी हैं। और जो भी लोक आस्था का सम्मान करेगा वो जन विश्वास पर खरा उतरेगा। तो कह रहे हैं कि बीजेपी संघ का इवेंट हो गया है सर, 5 लोग अंदर रहेंगे गर्भगृह में। हिंदू पंचांग से नहीं निकाली है आपने तिथि, आपने निकाला है काउंटडाउन लोकसभा इलेक्शन का देखकर। देखिए, हिंदू परंपरा में, सनातन धर्म की परंपरा में मकर संक्रांति के बाद सूर्य नारायण के उत्तरायण में आने के उपरांत शुभ मुहूर्त आते हैं कार्यक्रमों के और उसी को मान करके शास्त्रोक्त पद्धति से यह कार्यक्रम किया गया। कांग्रेस को इसमें तो अवसर मिला था ना, लेकिन याद करिए जब सोमनाथ के मंदिर की पुनर्स्थापना का कार्यक्रम हुआ कांग्रेस ने तो आयोजन का विरोध किया, उस समय के प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में स्वयं तो नहीं गए लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति को भी उन्होंने जाने से रोकने का प्रयास किया था। आप नेहरू जी की बात कर रहे हैं और राजेंद्र प्रसाद जी की? मैं कह रहा हूं ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उस कार्यक्रम में गए लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने एक प्रयास तो किया था, स्वयं तो नहीं गए लेकिन उन्होंने उनको भी रोकने का प्रयास किया। कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में शासन किया, आखिर देश की स्वतंत्रता कैसी है? मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना का कार्यक्रम और फिर इसमें तो न्याय और सत्य की बात, हमें एक स्थान के लिए प्रमाण देने पड़े जिसमें भारत की आस्था कहती थी कि यही राम जन्मभूमि है, लेकिन प्रभु राम ने चूंकि हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया था इसलिए हमने मर्यादित आचरण करते हुए वे सारे प्रमाण प्रस्तुत करते रहे। हम लोग लड़े, लोअर कोर्ट में लड़े, हाई कोर्ट में लड़े, सुप्रीम कोर्ट में लड़े और अंततः सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की एक पूर्ण पीठ ने अयोध्या के मामले को लेकर के एक सर्वसम्मत फैसला दिया।